बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा आज का पैगाम उन लोगों के लिए है जो इमरान खान की हुकूमत पर तंकीद करते हैं और इमरान खान से एक साल में मलेशिया का कानून चाहते हैं, चीना की तरह कामयाबी चाहते हैं। वो भाई उधर लोग हुकूमत को टिक्स देते हैं, वहाँ अगर कोई रीढ़ी में टमाटर बेचता है तो उसकी रीढ़ी भी रजिस्टर होती है। वो रीढ़ी का भी टिक्स देता है और यहाँ हम करोड़ों का कारोबार करके टिक्स को मानते ही नहीं। जब हुकूमत टिक्स मानता है तो हम इख्तिजाज करते हैं और कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने हम पर टिक्स नहीं लगाया था। वो मेरे दोस्तों, यही वो बात है जिस पर समझने की जरूरत है। पिछली हुकूमतें हमारे सरों पर कर्जा ले लेकर मुल्क को चलाते थे और आवाम को होश करते थे। यही वो जुआत थी जिससे हम एक मकरूज कौम बन गए। हम सुस्त बन चुके हैं, कर्जों और हैरतों की आदि बन चुके हैं, कतारों में खड़े होने की आदत बढ़ गई है। और इमरान खान से मलेशिया और स्विट्जरलैंड चाहते हैं। वो भाइयों, पहले हमको मेहनत कश बनना पड़ेगा, हुकूमत को मानना होगा, टैक्स देना पड़ेगा, तब ये एक अजीम मुल्क बनेगा। फिर मलेशिया और स्विट्जरलैंड हमारी मिसालें देगा। इसमें इमरान खान की कोई कसूर नहीं। अब ये हम पर डिपेंड है कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करें। पुरानी बातें पुरानी हो चुकी है, अपनी सोच को नया बनाओ, फिर अल्लाह की बरकत देखो। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। छोटा इमरान खान है पर पुतुरवा बुनिर। वस्सलाम। मेरे प्यारे वतन तू सलामत रहे, बागबाने चमन तू सलामत रहे। मेरे प्यारे